अगर आपका 11 लाख रुपए का बजट है एंड आपको एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV परचेज करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ब्रेजा का VXi वेरिएंट कवर करके दिखाने वाला हूँ। हर डिटेल के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी आपको हर चीज़ इस पर्टिकुलर ब्रेजा VXi 2022 के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जोली वंस अगेन। एंड अगर आप 11 लाख रुपए लेकर मार्केट में निकले हैं गाड़ी खरीदने के लिए तो ज़रूर ये वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है। ऐसी कुछ जो चाबियाँ आपको मिलती हैं, 2 बटन्स हैं, लॉक एंड अनलॉक, रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको यहाँ पर डेफिनेटली ऑफर करी गई है। सो सेम चाबियाँ हैं जो हम पहले भी देखते हुए आए हैं मारुति सुजुकी की प्रोडक्ट लाइनअप में। सो देर इज़ नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ दैट, दिस कैन डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड। बट यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई मैं ब्रेजा को रेकमेंड करता हूँ ओवर मोस्ट कम्पेटिटर्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। वो है इसका 1500 cc का पेट्रोल इंजन। अगर आप सेगमेंट के बाकी राइवल से कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर 1200 cc तक के या 1000 cc के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर करे गए हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 1500 cc का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। एंड एज यू माइट हैव हर्ड, देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। 1.5 लीटर का K15C नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, बेहतरीन पावर आउटपुट्स निकालता है, 102 bhp के आसपास की पावर है एंड 136 Nm के आसपास का टॉर्क है। अब ये जो इंजन है, पर्टिकुलरली मैं सियाज ओन करता हूँ उस गाड़ी में, सेम इंजन है, बहुत रिलायबल इंजन है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। उसके साथ साथ जो माइलेज फिगर्स हैं वो भी काफ़ी आपको अच्छे मिलते हैं, लगभग 20 km/L की मैनुअल में क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर इंजन के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। मेरा रेफरेंस देंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स एंड किस डिलीवरी हो पाएगी वो आपको ऑफर करेंगे। रोहन मोटर्स सेक्टर 54 गुड़गांव की जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद द प्राइस ब्रेकअप मैं आपको नीचे ही दे दूंगा। अब चाबी में आपको दिखा चुका हूँ, स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंटल ओवरव्यू से। अब यहाँ पर मारुति सुजुकी ने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर ब्रेजा में जो फेसलिफ्टेड वर्जन है उसमें जो हुड है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है एंड आपको एक क्लैम्प शेल टाइप बोनेट देने की कोशिश करी गई है, एक फिनिशिंग वैसी दी है जिसके कारण गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है एज कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्ट। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com। Now what is bootmo.com? bootmo.com is the one-stop solution for all your car spare part needs. तो आपको हर ब्रांड, हर व्हीकल, चाहे वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई लग्जरी व्हीकल हो, उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू एंटर एनी शॉप, नो कंसर्न्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको घर पे डिलीवर वो करके जाएंगे। यू गेट अ वैरायटी ऑफ डीलर्स एंड सेलर्स ओवर हियर, सस्ती प्राइस से लेके महंगी प्राइस तक आप सॉर्ट कर सकते हैं एंड इनफैक्ट आपको 10 days की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। अगर वो पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं फिट होता है तो आप उसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जरूर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स हैं, ऐप आपको iOS एंड Android दोनों पे मिलेगी तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। यहाँ पर अगर हेडलैम्प क्लस्टर की बात करें तो आपको हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको ऑफर किया गया है। बट अगर LEDs होती जो प्री फेसलिफ्ट VXi में थी वो ज़्यादा बेहतर होता, बट नेवरदलेस हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर है। यहाँ पर आपको पार्किंग लैंप हैलोजन बेस्ड ऑफर किया गया है अलॉन्ग विद द इंडिकेटर। बीच में ग्रिल पे क्रोम नहीं है, ये आपको एक पियानो ग्लॉसी ग्रे कलर की फिनिशिंग ऑफर करी गई है, बट उसके अलावा आपको ये क्रोम एलिमेंट यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देगा। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, जो आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं, उसकी ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग भी नहीं आएगी एंड जेन्युइन MGA की एक्सेसरी लगवाएंगे तो आपको डीलरशिप से कोई भी वारंटी का इशू भी नहीं आएगा। बॉडी क्लैडिंग आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पर दिखाई देगी तो वो आपको यहाँ पर ज़्यादा तादाद में दिखेगी एज़ कम्पेयर टू द प्री फेसलिफ्ट वर्जन, जो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छी लगती है, बिकॉज ये प्लास्टिक का पार्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, वो मैं आपको पीछे जाकर भी एक बारी डिटेल में दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन आपको व्हील आर्क्स जो हैं काफ़ी स्क्वायरिश मिलते हैं, सो दीज आर कम्प्लीटली स्क्वायर्ड आउट, जिसके कारण जो एक रगेड अपील है, SUV-ish वाली अपील है, वो आपको यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देगी। टायर साइज़ की बात करें तो 215/60R 16 inch के आपको यहाँ पर टायर्स ऑफर करे गए हैं, 215 mm की चौड़ाई के साथ सिल्वर कलर की व्हील कैप्स जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगेन नो इशू इन टर्म्स ऑफ दैट, इस प्राइस पॉइंट पर
आपको एलॉय व्हील्स ज़्यादा गाड़ियाँ ऑफर भी नहीं करती इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एन इशू। आगे डिस्क ब्रेक यूनिट आपको मिलती है, बट पीछे आपको ड्रम ब्रेक यूनिट ही अनफॉर्चुनेटली ऑफर करी जाएगी। अगेन बॉडी क्लैडिंग बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में यहाँ पर रखी गई है। ORVMs आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल एंड LED टर्न इंडिकेटर्स की जो स्ट्रिप है वो आपको यहाँ पर दिखने वाली है। कोई रूफ रेल्स नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, बट आपको शार्क फिन एंटीना ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगा। कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता VXI वेरिएंट के अंदर। ऐसा कुछ है डोर पैड, अगेन अब प्लास्टिक फिनिश के साथ साथ थोड़े बहुत फैब्रिक इंजर्ट्स यहाँ पे लगाए। यहाँ पर सिर्फ मोनोटोन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है इन द LXI एंड द VXI वेरिएंट। आपको यहाँ पर ब्लैक कलर ही दिखाई देगा मेजरली, तो सारा प्लास्टिक है, बट यहाँ पर आपको टच पॉइंट्स पर एटलीस्ट जो फैब्रिक है ब्लैक कलर का ऑफर किया गया है। ऑल फोर पावर विंडोज़ है ऑटो डाउन फंक्शनैलिटी के साथ, एंड ORVMs को आप फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इग्निशन ऑन करनी पड़ेगी। Hyundai किया की गाड़ियों में क्या होता है कि जब इग्निशन बंद होती है तब भी आप ORVMs को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है जो मारुति को अब ऐड कर देना चाहिए। इसके अलावा स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई देगी, बिकॉज चार स्पीकर्स आपको मिलते हैं इस VXI वेरिएंट में। ZXI वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको पहली बात आर्किमिडीज का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, एंड आपको वहाँ पे दो ट्वीटर्स एडिशनली मिलेंगे अलॉन्ग विद द 4 स्पीकर्स दैट यू आर करंटली गेटिंग इन द VXI वेरिएंट। बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर कंट्रोल्स की बात करें तो अब हिल होल्ड और ESP आपको मिलते हैं। ESP भी आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा बाय द वे LXI वेरिएंट के अंदर। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं अलोंग विद द 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग जो ब्रेजा में आपको ऑलरेडी मिलती है। तो उसके साथ साथ 12 एयरबैग्स, 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग एंड आपको ESP हिल होल्ड जैसे फीचर्स ऑफर करे गए हैं। ABS EBD तो आपको मिलता ही है, तो उसके लिए कंट्रोल यहाँ पर है। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है इस इंजन के साथ। डुअल जेट इंजन है जैसा मैं आपको मेंशन कर रहा था, तो डुअल इंजेक्टर्स के साथ डुअल VVD टेक्नोलॉजी जो मारुति सुजुकी बुलाता है वो आपको यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण माइलेज फिगर्स एंड ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलती है। सीट्स आर फैब्रिक बेस्ड ओनली, नो लेदर सीट्स ऑन ऑफर whatsoever, बट आपको हेडरेस्ट जो है काफ़ी चंकी मिलते हैं, चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, विच इज़ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड ऑल्सो एट दिस प्राइस पॉइंट, सो अ गुड टच इन दैट एस्पेक्ट। हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको इस वेरियंट में मिल जाएगी, तो अगर कुछ छोटे ड्राइवर्स हैं तो वो भी अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर गाड़ी को चला सकते हैं। एक बारी मैं लाइट्स ऑन करता हूँ और आपको रियर एंड पर लेकर चलता हूँ। अब ये है एक हाईलाइट मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट वेरिएंट का, बिकॉज ये जो रियर एंड है इसका डिज़ाइन आपको पहली बार में ही पसंद आ जाएगा। इसमें कोई पोलराइजिंग ओपिनियन यहाँ पर क्रिएट होता ही नहीं है। अगर मैं आपको वन फ्रेम व्यू दिखाऊं तो ऐसा कुछ ओवरव्यू जो है आपको मिलता है। अब बहुत लोग इसको मिनी रेंज रोवर कहते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है, बट मैं ऐसा कोई टर्म यहाँ पर यूज़ करूँगा नहीं। ये गाड़ी अपने आप में रियर एंड से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एंड इम्पोजिंग लगती है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड इट वर्क्स इन इट्स फेवर। यहाँ पर टेल लैम्प क्लस्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, आपको ये एक LED की स्ट्रिप ऑफर करी गई है। इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प हैलोजन बेस्ड हैं, बट ये वाला पार्ट जो है आपको LEDs के तौर पर दिया गया है। ब्रेजा की काफ़ी ब्रॉड लेटरिंग है, तो ये भी अच्छी लगती है, ओवरडन नहीं लगता रेयर एंड किसी भी एस्पेक्ट में। रेयर वाइपर नहीं है, बट डिफॉगर आपको मिलता है नीचे की ओर। जैसा मैं आपको बता रहा था, बॉडी क्लैडिंग अब यहाँ पर बढ़ा दी गई है, जो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं भी लगती। तो इस बॉडी क्लैडिंग के अंदर आपको कैमोफ्लेज दिखाई देंगे, 4 पार्किंग सेंसर्स, कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। स्मार्ट हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर मिलती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज आपको दिया गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। Now this opens up to 328-liter boot space, which is also good. But आपको इस सेगमेंट में इससे बड़े बूट स्पेस भी ऑफर करे गए हैं, बट दिस इज एट पार विद इट्स राइवल्स। इसके अलावा लोडिंग लिप आपको ज़्यादा हाई नहीं मिलेगी, सो ये एक चीज़ है जो आपको अच्छी लगने वाली है। स्पेयर व्हील आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। 5वां टायर जो है वो भी आपको स्टील रेम ही मिलता है, एंड उसका साइज भी यहाँ पर सेम रखा गया है, विच इज़ अ गुड टच। साइड में कंपार्टमेंट्स ऑफर करेंगे दोनों ही साइड पे, पार्सल शेल्फ आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं दी गई।
सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं, तो आपको दोनों ही साइड पे टॉगल्स मिलते हैं। अभी बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं VXI में। आगे बढ़ेंगे ऊपर वाले वेरिएंट्स में तो आपको 60-40 स्प्लिट रेशियो भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आप टॉगल को पुल करके जो सीट है उसको एज अ बेंच फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर इंसुलेशन भी अच्छी मात्रा में दी गई है, प्लास्टिक प्रॉपर इंसुलेशन है, ऐसा नहीं कि कारपेट ही यूज़ किया गया है, तो कोई भी एक्सपोज्ड मेटल्स या वायर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। सो हियर आई एम इन द इंटीरियर्स ऑफ द ब्रेजा VXI 2022। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग व्हील से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है विच डेफिनेटली लुक्स एंड फील्स नाइस, एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, बट सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। लेफ्ट साइड को आपको मिलते हैं कंट्रोल्स आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिलेटेड, तो आप वॉल्यूम अप डाउन मोड चेंज कर सकते हैं, सीट ट्रैक एंड म्यूट कर सकते हैं, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन एंड बेसिक वॉइस कमांड की जो फंक्शन हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये कंट्रोल्स को अगर राइट हैंड साइड पर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता तो वो अच्छा रहता, बट डेफिनेटली कंसिडरिंग की द टॉप वेरियंट गेट्स क्रूज कंट्रोल ऑल्सो, तो उनको आपको यहाँ पर प्लेस करके दिया गया है। Hyundai की काफ़ी गाड़ियों में आपको राइट हैंड साइड पे भी कंट्रोल जो हैं कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन के दिखाई देते हैं। लेफ्ट साइड को आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड को आपको हेडलैम्प के जो टॉगल्स हैं ऑफर करे गए हैं। अब इसकी जो MID है अच्छी लगती है, एंड दिस इज़ नॉट द वन विच यू गेट इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट। ऊपर के वेरियंट्स में आपको एक बेहतर MID मिलेगी, बट ओवरऑल दिस इज डिसेंट टू यूज़। बाकी आप यहाँ पे टॉगल थ्रू कर सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप AB में। लेफ्ट साइड को फ्यूल गेज है जो डिजिटल आपको दिखाई देगी, एंड राइट हैंड साइड को आपको इंजन टेम्परेचर गेज जो है दिखाई देने वाली है। आप यहाँ पे ट्रिप AB में स्विच कर सकते हैं, एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा जैसा मैं आपको दिखा चुका हूँ उसके लिए आपको राइट हैंड साइड को टॉगल दिया गया है। बैक लाइटिंग अच्छी है, वाइट LEDs का इस्तेमाल किया गया है, स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग वहाँ पर भी करी गई है। और स्मार्ट हाइब्रिड इतना कोई मेजर फुल हाइब्रिड सिस्टम आपको नहीं मिलता, इट जस्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फ्यूल एफिशिएंसी, एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब बीच में आए तो आपको यहाँ पर दिखेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिलता है, 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पर ऑफर करे गए हैं, एंड आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ही दिया गया, वायरलेस आपको यहाँ पर नहीं कोई भी फंक्शनैलिटी मिलती। इसके बारे में डिटेल में मैं बहुत वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। बाकी कैपेसिटिव बटन्स हैं, आपको कोई भी यहाँ पे फिजिकल बटन्स नहीं मिलते, बट ये बैकलाइट ज़रूर है, तो जैसे ही मैं लैम्प्स को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है आपकी डिम हो जाती है, बट आपके जो बटन्स हैं वो लाइट अप हो जाते हैं। नीचे आते हुए आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है, AC वेंट्स वगैरह की क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग अच्छी रखी गई है। दिस इज़ द न्यू AC यूनिट दैट दे हैव एडेड, पहले इसका डिज़ाइन अलग था। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको पहले भी मिलता था VXI में, अभी भी आपको मिलता है, एंड इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कर दी गई है। ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट्स हैं, एंड मेटालिक फील आपको एक ऑफर करी गई है जिसको आप ऑफ ऑन यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर डिफॉगर आपको यहाँ पर मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो बटन्स हैं ये भी सारे मेटल फिनिश्ड हैं, प्लास्टिक फिनिश नहीं है, तो आपको एक अच्छी फील ओवरऑल दे जाते हैं। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB का सॉकेट दिया गया है, बट कोई भी आपको ऑक्स की कनेक्टिविटी अब नहीं मिलती बिकॉज द वर्ल्ड इज़ मूविंग ऑन टू वायरलेस कनेक्टिविटी, तो अब ऑक्स भी मारुति सुजुकी ने हटा दिया है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिलता है, अगर मैं रिवर्स गियर एंगेज करूँ तो आप सुन पा रहे होंगे, आपको बस एक चाइम सुनाई देती है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की, कोई भी पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ये एक सिल्वर एक्सेंट है जो रन करता है थ्रू आउट द इंटीरियर्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एक सिल्वर एक्सेंट है जो डैशबोर्ड पे रन करता करता सेंटर कंसोल में यहाँ पर मर्ज हो जाता है गियर नॉब के अराउंड। स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पर बढ़िया है, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलती है, एंड यहाँ पर भी आपको एक कबी होल मिलता है, बट यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। आर्मरेस्ट आप लगवा सकते हैं बिकॉज वो एक चीज़ ऐसी हो जाती है जो कंफर्ट को बहुत ज़्यादा ऐड कर देती है डेफिनेटली ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव्स। ग्लव बॉक्स अच्छे साइज़ का है, बट आपको कोई भी कूल फंक्शनैलिटी यहाँ पर नहीं मिलती, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली आ जाएंगे। दी IRVM इज़ मैनुअली डिमिंग, तो आपको ये जो टॉगल है यहाँ पर मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड को आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है फॉर द को ड्राइवर, एंड ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर एक टिकट होल्डर सिर्फ मिलता है। अगर ड्राइवर के लिए भी वैनिटी मिरर होता तो ज़्यादा बेहतर बात
वो डेफिनेटली हो जाती। यहाँ पर माइक्रोफोन है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, तो जब आप फ़ोन पे बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू, जब ब्लूटूथ के थ्रू आप कॉल्स को रूट करेंगे, तो ये माइक्रोफोन आपके कॉल की ऑडियो को पिकअप करेगा। दो एयरबैग्स ABS CBD ESP हील होल्ड जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं एज सेफ्टी फीचर्स। ट्वीटर्स आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, उनकी जो डमी पोजिशनिंग है वो आपको यहाँ पर दी गई है। सो दैट इज़ डेफिनेटली, दैट इज़ समथिंग कैन बी इंस्टॉल्ड एज एन एक्सेसरी। ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में 11 लाख रुपए के अंदर आपको डिसेंट प्लास्टिक क्वालिटी मिल रही है। डेफिनेटली Hyundai Venue और Kia Sonet के लेवल की प्लास्टिक क्वालिटी नहीं है, बट ज़्यादा कोई आपको पैनल गैप्स जगह जगह नहीं दिखेंगे। दे हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड इट फ्रॉम द प्री फेसलिफ्ट वर्जन। बढ़ते एक बारी रियर सीटिंग स्पेस में, वहाँ पे आपको मैं अमेनिटीज़ दिखा देता हूँ, बिकॉज स्पेस की बात मैं ब्रेज़ा की ऑलरेडी डिटेल में कर चुका हूँ अपनी दूसरी कुछ वीडियोज़ में। बढ़े अगर सेकेंड रो के अंदर, तो पहले मैं आपको डोर पैड दिखाना चाहूँगा। अगेन प्लास्टिक फिनिश ही है, ब्लैक प्लास्टिक्स आपको मिलेंगे थ्रू आउट, बट यहाँ पर ऑन द टच पॉइंट्स कुछ फैब्रिक सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ अ ग्रैब हैंडल, यहाँ पर कोई भी कबी होल आपको नहीं मिलता। देर इज़ अ बॉटल होल्डर एंड डेफिनेटली स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कम्फर्ट, दिस कार इज़ बेटर देन मोस्ट अदर कार्स इन द सेगमेंट। डेफिनेटली नॉट एज गुड एज द नेक्सॉन एंड द XUV300, बट ओवरऑल Venue एंड Sonet जैसी गाड़ियों से आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आप सेगमेंट में कंपेयर करेंगे, सो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेयर सीट कम्फर्ट। यहाँ पर एक हुक आपको दिखाई देगा, आप अपना बैग वगैरह टांग सकते हैं। आपको एक रेयर AC वेंट्स का जो मॉड्यूल है दिखाई देगा, तो दो AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा जो थर्ड पैसेंजर के लिए फ्लोर बेड है वो उतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है, बट उतना ज़्यादा प्रोट्यूड आउट भी नहीं करता। तो तीन एडल्ट्स आप शॉर्ट जर्नीज के लिए बैठा सकते हैं, बट दिस इज़ बेस्ट सूटेड फॉर 4 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड इन टोटैलिटी। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं चाहें तो, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओवरऑल अंडर 11 लैक्स द रेयर सीटिंग स्पेस इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इम्प्रेसिव। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।